आई बराबर ये तीन फलनों का गुणा है। हम इसमें दो को इकट्ठा करेंगे पहले, और दो का गुणा दो का भाग करके टू कॉस एक्स और वाई कॉस वाई का फार्मूला लगाएंगे। इसको हम पहले अलग रखेंगे, बाद में गुणा कर लेंगे। तो ये आ गया टू कॉस फोर एक्स कॉस टू एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई यानी कि चार एक्स और दो एक्स छः एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई चार एक्स माइनस दो एक्स दो एक्स। गुणा फिर से किया कॉस सिक्स कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस कॉस सिक्स एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। फिर से एक बटे दो का गुणा दो का भाग किया है तो एक बटे दो इधर आ गया, दो इधर गुणा कर दिया हमने तो एक बटे चार टू कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स डी एक्स अलग अलग कर लिए हैं प्लस एक बटे चार टू कॉस सिक्स एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स। अब हम इसको आई वन आई टू मान लेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। हमने देखिए यहाँ पर ये कर भी लिया है कॉस ट्वेल्व एक्स टू कॉस स्क्वायर सिक्स एक्स माइनस वन वही हाफ एंगल वाला फार्मूला। तो ये हमारा मान आ भी गया, हमने यहाँ रख दिया है और ये यहाँ आ गया है। दोनों का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। एक बटे चार एक्स और ये साइन ट्वेल्व एक्स ओवर ट्वेल्व आएगा। प्लस एक बटे चार साइन एट एक्स ओवर एट और ये साइन फोर एक्स बटे फोर प्लस सी और इसको सरल कर लिया है एक्स बटे दो या तो एक्स बटे चार आएगा। कुल मिलाकर ये हमने लिख दिया इस तरीके से आई बराबर एक्स बटे चार आएगा और एक बटे अड़तालीस साइन ट्वेल्व एक्स प्लस एक बटे बत्तीस साइन एट एक्स प्लस एक बटे सोलह साइन फोर एक्स प्लस